Welcome dear students, I am Mr. Abhijit. Welcome to my channel Chemistry Learners. In this session we are going to see what is laser cladding. Laser cladding ये एक technique है जिससे हम दूसरे metal पे एक metal की powder है या फिर wire form में है जो metal उसकी हम coating कर सकते हैं. That is called as a laser cladding. तो ये पूरी process हम details में देखेंगे, इसके advantages क्या है और what are the different applications in engineering field for this process that we are going to see in this lecture. Let us see one by one. So what is laser cladding? So laser cladding क्या होता है? जैसे कि ये जो process है इसको हम दूसरा भी नाम दे सकते हैं, that is called as laser metal deposition. So with the help of laser, high energy laser beam, we are going to have the deposition of other metal into the target metal. Okay, so that is the method. It is a technique for adding one material, which may be in the form of powder or wire, to the surface of another by generating a molten pool on the target material. So target material या फिर target metal जो है आपका, उस पे हम क्या करेंगे, laser के जो beams है वो उस पे penetrate करेंगे और जो आपका target material है that is going to melt at that particular point and we are adding some material or we are adding powder or wire of the particular material to coat on that surface. Okay, that is the process called as laser cladding. Aur is process mein actually kya hota hai, ye jo process hai ye process tough hoti hai than the other conventional method like your thermal spraying hota hai ya phir क्रोमियम प्लेटिंग होता है, हार्ड क्रोमियम प्लेटिंग आपने सुना होगा, उससे भी ये जो मेथड है ये दैट इज टफर मेथड. ओके, सो इट इज हैविंग मोर एडवांटेजेस एज कम्पेयर टू दी अदर मेथड्स दैट आर लिस्टेड ओवर हियर. नाउ वी विल सी व्हाट इज द टेक्निक एक्चुअली. ओके, तो ये टारगेट सरफेस है या फिर टारगेट मेटल है, इस पे हम क्या करेंगे, लेजर का सोर्स अप्लाई करेंगे. व्हाट हैपेंस एट दिस पॉइंट, जब लेजर यहाँ पे इंसर्ट होगा यहाँ पे क्या होगा, ये जो टारगेट मेटल है आपका ये मेल्ट हो जाए, इसे हम कहते हैं मेल्ट पूल. जो मैंने एक वर्ड यूज किया था मोल्टन पूल या फिर मेल्ट पूल, यहाँ पे जनरेट होगा. अब ये जनरेट होने के बाद दूसरी जो प्रोसेस होती है जिसमें हम ऐड करते हैं पाउडर. ठीक, आपका जो कोटिंग मटेरियल है जो पाउडर फॉर्म में है उसे हम वहां पे अप्लाई करेंगे या फिर वहां पे हम उसे इंसर्ट करेंगे. इंसर्ट करने के बाद क्या होता है, that powdered material get coated on the target surface. Here the laser beam is going to melt the target surface and the powder whichever we are using that is going to add on the particular molten part. In this way you can make a cladded surface. तो आप यहाँ पे एक cladded surface देख सकते हैं, वो यहाँ से cladding से बना है ना, या फिर cladding process से जो surface बना है. That is nothing but the simple process of cladding. से हम cladding कहते हैं, that is laser cladding. एक simple और एक metallurgical process है जिसे हम cladding कहते हैं, सिर्फ cladding कहते हैं. That process is nothing but the addition of या फिर coating of two different surfaces on the simple surface, metal surface. जैसे कि layer एक दूसरे पे layer क्या करना है आपको, deposit करना है ना. सारे जो metals रहेंगे वो पूरे आपके प्लेट के फॉर्म में रहेंगे सपोज. ओके, ये जो बेस मेटल है इस बेस मेटल पे हम क्या करेंगे, दूसरे मेटल की कोटिंग करेंगे. ये कोटिंग जब करते हैं हम, उसके बाद में हॉट रोलर्स होते हैं, हॉट रोलर से हमें उस मेटल को क्या करना है, उस मेटल शीट को हमें क्या करना है, पास करना है. दैट इज द प्रोसेस कॉल्ड एज ए क्लैडिंग. बट यहाँ पे जो क्लैडिंग कर रहे हैं हम, दैट इज विद द हेल्प ऑफ दिस लेजर सोर्स. लेजर क्या करेगा, टारगेट सरफेस पे लेजर बीम इंसर्ट होगा, वहां पे हाई एनर्जी की वजह से मेल्ट हो जाएगा या फिर मोल्टन पूल बनाएगा और उस मोल्टन पूल पे हम क्या करेंगे, पाउडर जो होती है आपकी, जो जिसकी कोटिंग करनी है उसकी पाउडर हम वहां पे इंसर्ट करेंगे. दैट इज नथिंग बट दी लेजर क्लैडिंग, इसे हम लेजर क्लैडिंग. नाउ वी विल सी हाउ दिस लेजर क्लैडिंग वर्क्स. जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन बताया है वही पॉइंट्स यहाँ पे मैंने लिखे है, जस्ट आई एम गोइंग टू रीड दिस पॉइंट्स. So wire or powder is used for coating on target surface. Then
द टारगेट सरफेस इज मेल्टेड विद द हेल्प ऑफ लेजर, ओके, लेजर बीम वहां पे इंसर्ट होगा और जो टारगेट सरफेस का जो जो पर्टिकुलर पार्ट है, पिन पॉइंट है, वहां पे वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। देन साइमल्टेनियसली आप पाउडर जो होगी या फिर वायर आप यूज करेंगे तो वो क्या होगा, टारगेट सरफेस पे ऐड हो जाएगा। देन वायर और पाउडर इज मैकेनिकली बॉन्डेड ऑन दी पर्टिकुलर सरफेस, उस सरफेस पे क्या हो जाएगा, वो पाउडर या फिर वायर आप जो यूज करने वाले हैं कोटिंग के लिए वो वहां पे बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। एंड एट द लास्ट द कोटिंग गेट सॉलिडिफाइड एंड कूल्स इन अ शॉर्ट टाइम। तो ये जो प्रोसेस है इसका ये एडवांटेज है कि ये इन वेरी शॉर्ट टाइम यू कैन इट मे बी सॉलिडिफाइड, ठीक है, ये सॉलिडिफाई हो जाता है या फिर कूल हो जाता है, ठीक है। तो इसके एडवांटेजेस देखेंगे और कुछ एडवांटेजेस है इस प्रोसेस के, जैसे कि दिस कैन बी यूज इन वाइड चॉइस ऑफ मटेरियल्स, अलग अलग मटेरियल्स आप यूज कर सकते हैं जिसपे हम लेजर क्लैडिंग कर सकते हैं। देन रिलेटिवली लो हीट इनपुट, आपको जो हीट इनपुट देना है वो लो होता है, इसकी वजह से कूलिंग प्रोसेस भी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। देन इट रिड्यूसेस द प्रोडक्शन टाइम, ओके, प्रोडक्शन टाइम रिड्यूस हो गया, मतलब क्या, आपको हीट कम लग रही है, कूल फास्ट हो रहा है, इसलिए प्रोडक्शन टाइम क्या होगा, बढ़ गया, ओके। एंड देन इट इज हैविंग प्रेसिजन या फिर प्रिसाइज डिपोजिशन रेट्स, ओके, प्रिसाइज डिपोजिशन मतलब जहां पे हमें ये एक्चुअली लेजर क्लैडिंग करना है दैट यू कैन डिफाइन प्रिसाइजली, ओके। देन गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द पर्टिकुलर क्लैडेड मटेरियल एंड इट इज हैविंग लो मेंटेनेंस, इसका मेंटेनेंस भी कम होता है। तो ये जो सारे प्रोसेसेस है दैट मेक्स इट्स बी मोर एडवांटेजियस एज कम्पेयर टू दी अदर प्रोसेसेस, ओके। नाउ वी विल सी व्हाट आर दी एप्लीकेशंस ऑफ लेजर क्लैडिंग, लेजर क्लैडिंग के एप्लीकेशंस कौन से फील्ड है। ऑलमोस्ट ऑल जो कुछ मैकेनिकल ऑपरेशंस होते हैं या फिर मेटलर्जिकल प्रोसेसेस होती है उसमें ये लेजर क्लैडिंग यूज करते हैं, प्रोमिनेंटली इन ऑटोमोटिव, मेडिकल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, या फिर इन क्रिएटिंग एंड रिपेयरिंग कंपोनेंट्स लाइक टूल्स, शाफ्ट्स, ब्लेड्स, टर्बाइंस या फिर ड्रिलिंग टूल्स होते हैं उनके रिपेयरिंग में, या फिर उनके उनको बनाने में या फिर मैन्युफैक्चरिंग में हम ये लेजर क्लैडिंग टेक्निक यूज करते हैं, या फिर दिस इज मोस्टली यूज इन रिपेयरिंग दैट इज वेल्डिंग, जैसे कि आपको कुछ क्रैक पार्ट वगैरह है ना, उसे आपको वेल्ड करना है, सो यू कैन यूज दिस प्रोसेस, लेजर क्लैडिंग प्रोसेस और रिपेयरिंग या फिर मेंटेनेंस के लिए हम यूज कर सकते हैं। देन इट इज यूज इन सरफेस फिनिशिंग, बहुत सारे सरफेस है उनके उनको अगर आपको फिनिशिंग करना है, वो अगर अनइवन सरफेस है तो यू कैन मेक इट इवन या फिर फिनिशिंग आप उसकी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस लेजर क्लैडिंग टेक्निक। सो इन दिस वे वी हैव सीन डिफरेंट एप्लीकेशंस, देन इट्स एडवांटेजेस एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लेजर क्लैडिंग इन दिस लेक्चर। सो विद दिस वी स्टॉप हियर। For such important and informative videos, please subscribe to my channel, Chemistry Learners, and don't forget to press bell icon. Thank you.